पब्लिक टीवी आपकी आवाज। खटीमा में कुमाऊं एसटीएफ और वन विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेपाल बॉर्डर के नखाताल वन क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्कर तोताराम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पिछले 12 सालों से तोताराम पुलिस और वन विभाग को चकमा दे रहा था, जिसे आज पुलिस ने धर दबोचा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा से लगे नेपाल सीमा के जंगलों से आज कुमाऊं एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर राष्ट्रीय वन्य जीव तस्कर तोताराम को नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव तस्कर तोताराम पर उत्तराखंड समेत कई राज्यों में वन्य जीव तस्करी के आरोप में मुकदमे दर्ज है। बता दें कि पकड़ा गया आरोपी वन्य जीव तस्कर तोताराम पिछले 12 साल से पुलिस और वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था। वहीं लंबे समय से नेपाल में आरोपी का ठिकाना बनाए जाने की सूचना मिल रही थी। वहीं आज खटीमा वन रेंज के नखाताल कंपार्टमेंट नंबर 1 से एसटीएफ कुमाऊं और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तोताराम को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मंडराल के अनुसार राष्ट्रीय वन्य जीव तस्कर तोताराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वन क्षेत्र नखाताल कक्ष संख्या 1 में जो है वन विभाग खटीमा तराईपुरी वन विभाग की टीम है, एसटीएफ कुमाऊं यूनिट जो है पटनगर की टीम के द्वारा जो है हमारे जो केस में वांछित तोताराम, क्योंकि पुराने से जो है 2012 साल से फरार चल रहा था, तो खास गूगल की सूचना पर हम लोगों द्वारा एसटीएफ और बनजा खटीमा की टीम के द्वारा इसको जो है नखापल संख्या 1 में जो है गिरफ्तार किया गया। ये नेपाल की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको पकड़कर हम लोग रेंज कार्यालय लाए और माननीय न्यायालय खटीमा में इसको जो है पेश कर हल्द्वानी न्यायिक अधीक्षक में इसको जो है कारागार में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।